नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे कटहल की सब्जी। वो नॉन वेज को भी फेल कर देने वाला ये सब्जी है। तो इसके लिए हमें चाहिए कटहल, और वो छोटे साइज़ का कटहल और ताज़ा होना चाहिए। उसे छील लेंगे और छोटे छोटे पीस में कट करके उसे कुकर में डालेंगे, प्रेशर कुकर में। और एक चम्मच हम हल्दी और एक चम्मच नमक डाल देंगे, जिससे क्या होगा, ये छोटे वाले कटहल का जो कसैंदापन होता है वो निकल जाता है। तो 1 से 2 सीटी इसको लेंगे, और उसके बाद ठंडा होने के बाद इसको तेल में फ्राई करेंगे हम। तो सरसों का तेल लेना है हमें, और इसे हम उबले हुए और ठंडे कटहल के पीसेस को फ्राई कर लेंगे हम। तो 2 बार में पूरा फ्राई करेंगे हम। इसके तेल में फ्राई करने से क्या होगा कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। वैसे तो कटहल की सब्जी बहुत तरह से बनाई जाती है, तो उसमें एक ये है। तो इस तरह से देखिए, ये कटहल का एक बैच है, वो तैयार हो गया। तो उसे हम निकाल लेंगे किसी दूसरे बर्तन में। और ज़्यादा बीज वाले जो होते हैं वो कटहल का टेस्ट कुछ अलग होता है। ये तो बहुत ही छोटा सा है कटहल। तो इसे हम, चाहे आप चाहे तो इसमें आप आलू भी डाल सकते हैं, आलू कटहल की सब्जी। तो हमने इसमें कटहल में आलू नहीं डाला है। तो इस तरह से हमारा जो कटहल फ्राई हो चुका है, तो अब इसी में हम डालेंगे 2 तेज़पत्ता, कुछ खड़े गरम मसाला जैसे हरी इलायची है, लौंग है, दालचीनी, और 1 छोटा चम्मच हम खड़ा जीरा डाल देंगे। जब ये पक जाए तो 1 मिनट के बाद इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये कच्चा है तो पहले इसे डाल देंगे हम। और ये 1 मिनट के बाद, ये 3 बड़े साइज़ का ये प्याज है जिसे भून करके इसे पिसा हुआ है मिक्सी ग्राइंडर में। तो इससे इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी होगी। या ये कच्चा प्याज नहीं है इसलिए इसको पकाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और भून के पीस के जो ग्रेवी बनती है उसका अलग ही टेस्ट होता है। ये स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, जीरा, धनिया और ये लाल मिर्च है। साथ में 2-3 चम्मच हम पानी डाल करके इस मसाला को भूनेंगे, और बिल्कुल मीडियम फ्लेम में इसे भूनना है, और इसे छोड़ना नहीं है। बीच बीच में लगातार इसे हम चलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे। तो इस तरह से इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी। देखिए तेल भी है, वो किनारा छोड़ रहा है। तो ये हमारा जो मसाला ऑलमोस्ट भून गया है, तो अब इसमें हम पानी डालेंगे। ग्रेवी आपको कैसा बनाना है, थिक बनाना है या पतला बनाना है आपके ऊपर है। तो यहाँ 1.5 1.5 गिलास हमने पानी डाल दिया है, और इसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। इसके बाद इसमें हम जो कटहल के पीसेस है उसे हम डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। तो मिक्स करते हुए इसे हमें पकाना है, इसे ढक करके। तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। इसे भी मिक्स करके ढक करके हम कम से कम 5 मिनट और पकाएंगे, ताकि हमारा जो मसाला ग्रेवी है कटहल के साथ अच्छी तरह से रच बस जाए, और हमारा ग्रेवी इतना ही रहेगा। तो इसे ज़रा चेक कर ले कि हाँ, ये कटहल अच्छी तरह से कुक हुआ या नहीं। तो ये बिल्कुल बॉयल पहले ही हुआ था, तो ये अच्छी तरह से पका हुआ है। तो इस तरह से ये देखिए कटहल की सब्जी तैयार है। इसमें 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, और इसे मिक्स कर देंगे। ये सब्जी आपको पूरी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। ये इसके साथ जो मिर्चा है वो आप कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। तो अब गैस को बंद कर देंगे, और हमने यहाँ कटहल की सब्जी चावल के साथ परोसा है। तो डिश आउट करके इसमें हम अदरक की कतरने डालेंगे,
कितना लाजवाब, कितना टेस्टी, सुपर टेस्टी सब्जी बनकर के रेडी है। ये चावल के साथ, प्याज के लच्छे के साथ पेश है। आपको अच्छी लगे तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।